हेलो गाइस, कृष्णा विजुअल आर्ट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो जैसा कि जानते हैं आप, हमेशा नए नए अपडेट्स और नए नए वीडियो आपके पास आते रहते हैं। आज का वीडियो कुछ खास है जो कि जानकारी से भरा हुआ है और काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि अगर हमारी जो मूर्तियां हैं घर में, जो पीतल की मूर्ति, ब्रास की मूर्ति, फाइबर की मूर्ति, प्लास्टिक की मूर्ति या कोई भी तरह की मूर्ति को हम अगर घर पर ही कलर करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं और उसका तरीके क्या क्या होते हैं। तो अभी हमारे पास ये भगवान की मूर्ति आई है गौरन टाइप, और आप देख पाएंगे इसका पीतल है, प्योर ब्रास का मूर्ति है। इसको अभी हमें गोल्ड कलर करना है और ये मुंबई का थोड़ा हवा मॉइस्चर का होता है, नमी का हवा होता है, नमकीन हवा होता है, तो ये कलर इसका ब्लैक हो जाता है, ज़्यादा शाइन होता नहीं। तो अब इसको हम लोग परमानेंट गोल्ड कलर मारने वाले हैं। इसको पूरे इसके ऊपर पहले हम लोग इसको जितना भी कलर किया है, ये ब्लैक पेंट किया है या जितना आइस वगैरह है, सबको पहले हेयर रिमूवर से हम लोग रिमूव करेंगे। उसके बाद इसको ग्रे अस्तर मारेंगे, उसके बाद पूरा गोल्ड कलर मारेंगे, वो भी कंप्रेसर की मदद से, मशीन से स्प्रे कलर इसको करने वाले हैं। उसके बाद पूरा भगवान का डिटेल होगा। तो ये जानकर इसलिए है कि जो आप लोग चाहते हैं कि क्या क्या इसमें मटेरियल हम लोग यूज़ करने वाले हैं, क्या क्या इसका तरीका है, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो जो ऑयल पेंट होता है उसको रिमूव करने के लिए पेंट रिमूवर आता है, आप ये देख पाएंगे, ये दिखेगा आपको, एक पेंट रिमूवर आता है इस तरह का, ठीक है। तो ये आपको ये पेंट रिमूवर लेना है और उससे आपको पूरा पेंट इससे रिमूव कर सकते हो, और इससे आपको अपने हाथों को दूर रखना है, हाथों में ग्लिप्स का यूज़ करना है और फिर इसको रिमूव करना है कलर को, तो बहुत स्किन के लिए हार्मफुल होता है पेंट रिमूवर, बहुत हार्ड होता है, तो बहुत सावधानी से इसको यूज़ करें, नहीं तो आपकी स्किन को खतरा हो सकता है। उसके बाद हम लोग इसका एक जो डिको पेंट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो कार के ऊपर, बाइक के ऊपर, जितना भी अपना बस ये वो जितना भी गाड़ियाँ होती सबके ऊपर ये डिको पेंट यूज होता है, और ये उसका है बेस अस्तर, इसको बोलते हैं ग्रे अस्तर यानी कि ग्रे बेस। तो कलर करने से पहले उसको पहले स्मूथ करने के बाद ये बेस मारना होता है, बेस मारने के बाद अच्छे से सूख जाने के बाद फिर हम लोग आता है फाइनल कोटिंग कलर का, और सब में हमें थिनर एक मीडियम आता है, थिनर बेस है सारा कलर, थिनर उसमें मिलाना पड़ता है उसकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो एक लीटर में 200, 250 या 300 ml आप उसमें मिला सकते हैं, और उसके बाद फिर आता है गोल्ड कोटिंग। तो उसके ऊपर जो मैं गोल्ड कोटिंग करने वाला हूँ, ये आप देख पा रहे हैं, ये कलर है, देखिए गोल्ड कलर मैंने लिया है, और इसका लगभग 350-450 तक ही आ जाता है, 200 ml है, तो जैसा आपको क्वांटिटी चाहिए वैसा मिल जाएगा। और ये पेंट की दुकान पर नहीं मिलेगा, जहाँ पे ऑटोमोटिव पेंट शॉप है वहाँ मिलता है ये मटेरियल। ओके, तो इसका प्राइसिंग की बात करें, पेंट रिमूवर आपको मिलता है लगभग 180 rupees में, और ये ग्रे कोटिंग अस्तर इसका प्राइसिंग है 200 ml लगभग 90 rupees, और इसके बाद ये गोल्ड अपना पेंट है स्प्रे पेंट जो आप देख पा रहे हैं, इसका प्राइसिंग है लगभग 380-390 rupees तक में ये मिल जाता है 200 ml, देख पाएंगे। ओके, तो सारी जानकारी आपको दी जाएगी, कैसे मैं रिमूव करूँगा वो भी दिखाऊँगा आपको, और कैसे हम अस्तर मारेंगे वो भी दिखाएंगे, और कैसे इसको गोल्ड कलर करेंगे ताकि आप तक सही जानकारी पहुँच सके। तो आगे ज़्यादा देर नहीं करते हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था हैंड ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, क्योंकि जो भी ये पेंट रिमूवर होता है बहुत हार्ड होता है, और इसको बहुत सावधानी से यूज़ करने का, नहीं तो क्या होगा आपके हाथों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो सकता है, खुजली हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये मेरा पेंट रिमूवर है, आप देख पा रहे हैं, इसको मैं अभी पहले थोड़ा निकाल लेता हूँ, होल कर लिया है, और इसको पहले कंटेनर में पहले निकाल लेते हैं। एक हार्ड ब्रश लेते हैं और जहाँ जहाँ हमें कलर निकालना है उधर इसको लगाना होगा, जैसे हमारी मूर्ति आ जाए, आपको पेंट रिमूव करना है वो आपको लगा के छोड़ना पड़ेगा, तो ये कलर को फुला देगा। अभी देखिए, पहले थोड़ा लगा के छोड़ दो, अपने आप सारा कलर निकल जाएगा इसका, धीरे धीरे सारा कलर ये उखड़ जाएगा अपने आप ऑटोमेटिक। पेंट रिमूवर का यही काम होता है, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। देखो आप जहाँ जहाँ लगाएंगे आप अपने आप कलर फूक जाएगा, निकल जाएगा। अभी देखिए जहाँ लगा आप देख पा रहे हैं, ना आसानी से छूट रहा है, ये सारा कलर रिमूव हो गया।
तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने पेंट रिमूवर से सारा कलर निकाल दिया है, जितना ब्लैक था और जितना भी हाथ में इधर उधर ऑयल पेंट से उसको डिटेल किया था लास्ट टाइम मैंने, तो अभी सारा कलर रिमूव कर दिया है क्योंकि उसके ऊपर पूरा गोल्ड कलर और अच्छा क्वालिटी का डीको पेंट मारना है। तो अभी सेकेंड स्टेप में जाने के लिए हम लोगों को जैसे कि मैंने था ग्रे स्तर, इसको बोलते हैं ग्रे स्तर, डीको का है स्तर जो कार के ऊपर भी पहले मारते हैं और उसमें थोड़ा थिनर मिला के फिर इसके ऊपर पहले फर्स्ट कोट बेस करेंगे जैसा कि ये अच्छे से उसको मजबूत से गोल्ड कलर को पकड़ पाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैं ग्रे स्तर का डब्बा खोल लिया है और थोड़ा एक क्लोजअप दिखाइए। ग्रे स्तर पहले साफ डब्बे के अंदर निकाल लेना है, इतना चाहिए उतना, ओके। तो सावधानी से और जल्दी, फास्ट ड्राइंग है यानी कि फास्ट जल्दी सूखता है, जितना चाहिए उतना मटेरियल लेके ओके इसमें थोड़ा थिनर ऐड करना है। ताकि आराम से कंप्रेसर गन से निकल सके। तो गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी मैंने जस्ट ग्रे स्तर मार के रेडी किया है, देखिए आपको क्लियर दिखाई देगा ओके। अभी ग्रे स्तर हो गया हमारा, एकदम सूख के रेडी है, लगभग आधा घंटे हमने इसको सुखाया है। और अभी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाने वाले हैं अपना गोल्ड, ये गोल्ड कलर डीको गोल्ड है, ये भी कार पेंट है। अभी इसको मैं थिनर इसमें थोड़ा मिला के डायरेक्ट मशीन से इसको मैं पेंट करता हूँ, चलिए दिखाते हैं। तो अभी गोल्ड कलर में बनाने जा रहा हूँ, तो गोल्ड का डब्बा ओपन हो गया है, ये डीको गोल्ड है, फास्ट ड्राइंग मतलब जल्दी सूखता है। तो भी हम लोग इतना चाहिए उतना निकाल लेते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जिसमें थोड़ा पतला करने के लिए थिनर डालना होगा ताकि दिन से आराम से निकल सके, इतना जरूरी है। और अगर आपके पास कंप्रेशर मशीन नहीं है तो शेबल हेयर ब्रश की सहायता से भी आप डायरेक्ट ब्रश से भी ये गोल्ड कलर पेंट कर सकते हैं, तो उससे भी अच्छा रिजल्ट आता है।
तो भगवान गौर नेताई का फाइनल पेंटिंग का डिटेलिंग चल रहा है, तो लगभग अभी कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत डिटेल फाइनल बचा है। तो जैसा कि मैंने आपको इसमें बताना था कि डीटीज को मूर्ति को गोल्ड कलर कैसे करते हैं हम लोग स्प्रे की मदद से, तो मेन डिटेलिंग जैसे आइस और होंठ वगैरह जो कलर का है उसका पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं कैसे और भगवान का पेंटिंग कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, और हमारे चैनल पर अगर पहली बार नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण।